Hello, hello, hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. Today we're going to watch a story by Mohammad Sadriwala. It's called Proud to be Born in India. ये कहानी दो औरतों की है, काफी करीब है हमारे घर से, हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफी दूर एक मुल्क है इराक, वहाँ पे नजफ ए अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोजे हैं, मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों, उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया, दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पर काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई, वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था, दो बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी, तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराकी में, इराकी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी, दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराकी देंगे 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराकी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की, फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे, देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई, तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी, उन्हें पता था कि मैं खुद एक, मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है, तो मुझे पता है जब पहली सेल दिन पहली प, 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 दिन की जो पहली बूनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बूनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बूनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है, मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे वालिद नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए थे, आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो, जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढहल गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में, देखेंगे। मगर एक
जिसे खाने की असमत सही पता होती है, वो देख कर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे एक हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्म गुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था, उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का याद नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेजी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। क्या बात कर दी यार, दिल जीत लिया यार। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था, मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। ओके, सो वी जस्ट वॉच्ड अ स्टोरी टेलिंग सेशन बाय मोहम्मद सदरीवाला। ये स्टोरी थी एक बच्चे की जो इराक के मुल्क के किसी शहर में, यू नो, ही वाज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ वॉर ऑफ सम टेररिस्ट ग्रुप। आई थिंक वी ऑल नो कौन से टेररिस्ट ग्रुप की बात हो रही थी इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी यार, बहुत अच्छा मैसेज भी था पीछे। एंड या इट मेक्स यू थिंक कि आप एक ऐसे मुल्क में हो जो स्टेबल है, जो आपके हक को प्रोटेक्ट करता है टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, पूरे इंडिया में हर जगह सब कुछ अच्छा नहीं है, पर किस मुल्क में होता है, ठीक है? तो वो उस पे नहीं जाते कि इराक अच्छा या इंडिया अच्छा या पाकिस्तान अच्छा या अमेरिका अच्छा। पॉइंट ये है कि इराक मुल्क के साथ जो हुआ है वो तो हम सब ने देखा है क्या हुआ है। वो 2000-3000 साल पुराना मुल्क है, वो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, वो उस जमाने से, मेसोपोटामिया के जमाने से वो सिविलाइजेशन चलती आ रही है, और आज उसकी 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 आर्ट और उसकी कल्चर को तबाह करके म्यूजियम्स का हिस्सा बना दिया गया। बस वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड इन इराक। एंड या व्हेन यू हियर दीस काइंड ऑफ स्टोरीज के यार क्या हुआ वहां पे लोगों के साथ और वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, व्हेन यू हियर द रियल लाइफ अकाउंट्स ऑफ दोस पीपल, देन यू काइंड ऑफ फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ। मैं ये बात पाकिस्तान पे भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ माई इंडियन ऑडियंस थिंक्स के पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या होता है और पाकिस्तान बहुत बुरा है, इराक जैसा हाल है, बट नो, आपकी न्यूज़ एजेंसीज आपको दिखाती हैं ये सब चीज़ें, आई नो, बट दैट्स ऑल बीएस। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता इतना, कुछ इलाकों में होता है ऑफकोर्स, जैसे इंडिया में भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं और यू नो पीपल गेट किल्ड बिकॉज ऑफ वन रीजन और अनदर। वी शुड बी थैंकफुल एंड वी शुड बी ग्रेटफुल एंड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। एक बात जो उसने कही है ना कि आखिर में जब उसने कहा कि किसी अंग्रेज ने कहा है कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, अगर तुम अपने ही मुल्क को अच्छे से नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। और यार इस बात ने मुझे इतना हिट किया ना, और ये बात इससे मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूँ, ये बात मैं पहले से रियलाइज करता हूँ। द ओनली रीजन आई स्टार्टेड माई चैनल कॉल्ड इट पाकिस्तानी रिएक्शन वॉज बिकॉज ऑफ द सेम सब्जेक्ट। मैं जब भी बाहर देखता हूँ तो मुझे यही नजर आता है कि लोग पाकिस्तान को ऐसे देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, पाकिस्तान नहीं होगी अफगानिस्तान होगी। पाकिस्तान इज नॉट अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट इराक, पाकिस्तान इज पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज इट्स प्रॉब्लम बट पाकिस्तान हैज इट्स गुड पार्ट्स टू, दोज गुड पार्ट्स आर वेरी गुड, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो। आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर मुझ में आपको कुछ गलत नजर आता है तो देन मे बी पाकिस्तान इज रॉन्ग, बट इफ यू सी मी एज यू वुड सी एनी अदर रेगुलर पर्सन देन दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज, रेगुलर पीपल्स कंट्री, रेगुलर कंट्री। एंड या अगर मैं ही नहीं देखूंगा ब्यूटी अपने कंट्री में, या अगर आप ही अपने कंट्री में खूबसूरती नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा। और तो या आई होप मोहम्मद सदरीवाला का मैसेज हम सब तक पहुंचा है और सही से पहुंचा है कि यू नो बी ग्रेटफुल दैट यू आर बोर्न इन अ कंट्री दैट प्रोटेक्ट्स यू, दैट प्रोवाइड्स यू विद यू नो सफिशिएंट वेज ऑफ लिविंग लाइफ। इट माइट नॉट बी परफेक्ट, आपका इंडिया में भी परफेक्ट नहीं है, मेरा पाकिस्तान में भी परफेक्ट नहीं है, बट हम इतने लकी हैं कि हमें एक सिक्योरिटी मिली हुई है, हमें एक
आसाइश मिली हुई है कि हम अपनी जिंदगी को सुकून से अपनी मर्जी से जी सकते हैं. तो वी आर दोज लकी पीपल हु आर एबल टू डू दैट एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइव्स. सो या अमेजिंग स्टोरी मोहम्मद सदरी वाला. आई रियली इट गेव मी गूज बम्स. इट मेड मी स्माइल. इट मेड मी क्राई. इट वॉज सच अ गुड अकाउंट एंड इट वॉज सच अ गुड लेसन एट द एंड ऑफ इट. थैंक यू संजना एंड हरीश फॉर रिक्वेस्टिंग दिस. आई होप यू गाइज एंजॉयड माई रिएक्शन एंड माई रिव्यू. आई सर्टनली एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस स्टोरी. इट रियली मूव्ड मी इन सो मेनी वेज. आई विल सी यू गाइज टुमारो विद अनदर वीडियो. टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. आई लव यू गाइज. शब खैर. Do it!